हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री और कल्चर के करंट अफेयर्स जून से लेकर जनवरी 2020 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, दोस्तों हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की और अलग अलग स्टेट सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और गाइडेंस देते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो तो ये दो नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से किसी पे भी कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के बारे में, यानी कि यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ये जो एक नेटवर्क है, ये बेसिकली 2004 में शुरू किया गया था। इसके तहत हम लोग उन शहरों को इंक्लूड करते हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने रचनात्मक कार्यों को अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया है। अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि मुंबई और हैदराबाद दो सिटीज़ चुनी गई हैं वर्ल्ड सिटीज़ डे पे, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये सिटीज़ जो हैं इन ये जो नेटवर्क है इसमें ऐड की गई हैं। अभी इस पर्टिकुलर डे पे हमने टोटल 66 सिटीज़ का चुनाव किया है, उसमें से दो हैं मुंबई और हैदराबाद। और क्यों चुनी गई है, तो मुंबई तो अपने फिल्म्स के लिए चुनी गई है, इसको डेजिग्नेट किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म के तौर पे। वहीं पे हैदराबाद को डेजिग्नेट किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पे। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वही सब पॉइंट्स लिखे हुए पाएंगे। 31 अक्टूबर 2019 को वर्ल्ड सिटीज़ डे था, उस दिन हमने 66 शहरों को चुना था, उसमें से दो थे मुंबई और हैदराबाद। मुंबई अपने फिल्म्स के लिए, हैदराबाद अपने गैस्ट्रोनॉमी या फिर पाक कला के लिए चुना गया था। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो चेन्नई और वाराणसी भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं, ऑलरेडी वो शामिल किए जा चुके हैं और उनको उनके म्यूज़िक के लिए चुना गया है। और वहीं पे जयपुर को भी इस लिस्ट का हिस्सा बनाया गया है, जयपुर को उसके शिल्प कला तथा लोक कला की वजह से चुना गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस नेटवर्क के तहत भारत के कौन कौन से सिटीज़ को चुना गया है, तो आपको ये सभी सिटीज़ के नाम ध्यान रखने होंगे और उनकी विशेषता भी याद रखनी होगी कि उनको किस लिए यहाँ पे चुना गया था। अब हम लोग इस नेटवर्क के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसा मैंने बताया, ये इनिशिएटिव को 2004 में क्रिएट किया गया था। इसका लक्ष्य ये था कि सहयोग बढ़ाया जा सके उन शहरों के बीच में जिन्होंने किसी भी तरीके से अपने रचनात्मक कार्यों से अपने विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं और अपना स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट किया है। बेसिकली अभी अगर मैं बात करूं तो 246 ऐसी सिटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, और एक बार ये इसमें शामिल हो गए तो उसके बाद इन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो कल्चरल इंडस्ट्री है, वो जो भी हमारी विकास की नीतियाँ बनेंगी उसके सेंटर पे रहे, यानी उसका केंद्र रहे। ये जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसका उद्देश्य है कि भाई अभिनव सोच से और कार्रवाई के माध्यम से जो सतत विकास लक्ष्य हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनको हम लोग प्राप्त कर सकें। कोई भी जब सिटी इसमें इंक्लूड होता है तो वो ये बात पे कमिट करता है, यानी वो इसका प्लेज लेता है कि वो अपनी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सब शेयर करेगा और अपने विकास के लिए सभी लोगों के इन्वॉल्वमेंट से अपने रचनात्मक कार्यों को केंद्र पे रख के, यानी सेंटर पे रख के ही काम करेगा। उसके अलावा ये जो नेटवर्क है, ये उन शहरों को एक साथ लाता है जिन्होंने अपनी रचनात्मकता के आधार पर विकास किया है। इसमें टोटल 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं। क्या क्या हैं वो? संगीत, कला, लोक शिल्प, डिज़ाइन, सिनेमा, साहित्य तथा डिजिटल कला, और पाक कला भी इसी का हिस्सा है। यही चीज़ आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई पाएंगे। तो ये जो 7 फील्ड्स हैं, ये आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ न्यूज़ में है तो संभव है कि UCCN के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग नेहरू और लियाकत एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भाई ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि लगातार डिबेट चल रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे, यानी नागरिकता संशोधन जो विधेयक अभी प्रस्तुत किया गया है, तो उस पर लगातार डिबेट चल रही थी। उस डिबेट में कई जगह पे इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का जिक्र किया गया जो कि 1950 में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, और ये जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान, जो कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इन दोनों पार्टीज़ के बीच में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत हम लोग फोकस कर रहे थे कि दोनों ही देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सके। देखिए, अगर अपन कहानी पढ़ें तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों का पलायन हुआ था,
हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले लोगों की संख्या लाखों में थी। बंटवारे की वजह से जगह जगह आप देखेंगे तो दंगे फैल गए और दिसंबर 1949 को दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक संबंध खत्म हो गए। 1950 तक पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां से करीब 10 लाख हिंदू सीमा पार करके हिंदुस्तान में आ गए थे। उसी तरह पश्चिम बंगाल से लाखों लोग सीमा पार करके बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान में पहुंच गए थे। अब उस समय अगर आप माहौल देखेंगे तो बड़ा विस्फोटक था। वहां पे जो भी लोग अल्पसंख्या में थे उनके साथ अलग अलग प्रकार की एट्रोसिटीज़ कमिट हो रही थी। पुरुष और बच्चों को क्रूरता से मार दिया जा रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घिनौने अपराध किए जा रहे थे। तो इस पूरे मामले को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसको हमने यहाँ पे दिल्ली पैक्ट भी कहा है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, यानी जो भी माइनॉरिटीज़ में हैं, कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उन्हें सही तरीके से ट्रीट किया जाए, जो उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ कमिट हो रही हैं, जो उन पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, कैसे उनको रोका जा सके। दोनों ही देश की सरकारों ने ये बात तय की कि भाई माइनॉरिटीज़ के राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उसके अलावा हम लोग रिकग्नाइज़ करेंगे कि उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, यानी कि राजनीतिक राइट्स हैं, उनके उनकी खुद की संस्कृति को प्रिजर्व करने के राइट्स हैं और उनके कुछ आर्थिक अधिकार भी हैं। इसी के चलते दोनों ही देशों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सभी अधिकार हैं ये सबके सब मौलिक अधिकार में हम लोग गिनेंगे, और जो भी अभी तक डिस्टर्बेंस कॉज हुई है, जो भी माइनॉरिटीज़ को दिक्कत हुई है, उस सब दिक्कतों को देखने के लिए, वो इश्यूज़ को इंक्वायर करने के लिए हम एक समिति का गठन करेंगे जो उन सभी मुद्दों पे सोचेगी, विचार करेगी और फाइनली अपनी सिफारिश सरकार के सामने रखेगी कि आने वाले समय में कैसे इस तरीके के मुद्दों को कम किया जा सके और अभी कैसे इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ साथ पैक्ट में ये भी लिखा था कि जो भी लोग पलायन कर रहे हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनको अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार होगा और इस संपत्ति को बेचने के लिए वो सुरक्षित यहाँ से वहाँ आ सकते हैं और यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। जो भी अवैध तरीके से किसी भी अल्पसंख्यक की संपत्ति को कब्जा कर लिया गया है, उस सब संपत्ति को वापस लौटा दिया जाएगा। जिस भी औरत को अगवा किया गया था उस औरत को उसके परिवार के पास वापस भेज दिया जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि सेफ रिटर्न होगा। जो भी एबडक्टेड वुमेन थी उसके अलावा उनको उनकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का अधिकार दिया जाएगा और सिक्योरिटी भी प्रदान की जाएगी। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दूसरे देशों में एक खुद के नागरिकों की तरह सभी अधिकार दिए जाएंगे। ज़बरदस्ती किसी का भी अगर धर्म परिवर्तन कराया गया हो तो उसको अवैध माना जाएगा और उसके बाद से ये चीज़ पे पूरी रोक लगाई जाएगी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन ना करा सके। दोनों ही देश ऐसी परिस्थिति में संयम से काम लेंगे और युद्ध को भड़काने वाली मानसिकता का या फिर देश की अखंडता को भंग करने वाले विचारों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग जो हमारे गणतंत्र दिवस था, अभी 71st रिपब्लिक डे अभी हमने मनाया है, उसकी परेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी 26 जनवरी 2020 को हमने 71st रिपब्लिक डे मनाया है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोलसोनारो यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किए गए थे। प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और जो इस बार पहली बार हमने ट्राई सर्विस कमीशन का फॉर्मेशन किया है, ट्राई सर्विस का फॉर्मेशन किया है बेसिकली, उस ट्राई सर्विस ने यहाँ पे भाग लिया था। इस साल जो सरकार के पास कुल आवेदन आए थे वो थे 56, उनमें से 22 को चुन लिया गया था। अब अगर हम लोग कल्चरल थीम्स पे बात करें तो क्या क्या था, सबसे पहले तो यहाँ पे काकसर फोक डांस था, यानी एक लोक नृत्य था। तो किसने परफॉर्म किया था, ये अबुज मारिया ट्राइब ने किया था जो कि बस्तर रीजन छत्तीसगढ़ में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, वो पूछ सकते हैं कि ये जो लोक नृत्य है ये कौन सी ट्राइब करती है और ये ट्राइब जो है ये कहाँ पे निवास करती है। इसके तहत होता क्या है, ये लोक नृत्य करके ये ट्राइब भगवान का आशीर्वाद लेना चाहती है जिससे कि आने वाले समय में फसल बहुत ही अच्छी हो। और साथ साथ यहाँ पे जो लोक नृत्य है ये हर व्यक्ति को अलाउ करता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर का चयन कर सके। उसके अलावा दूसरा है यहाँ पे ग्रामिया कलाई, जो कि फोक आर्ट है तमिलनाडु की, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु को जो पूरा दर्शाया गया था, यानी कि जो तमिलनाडु की झांकी थी वहाँ पे कई सारे फोक आर्ट्स को दर्शाया गया था और साथ साथ स्टैचू रखा था अयनर का, जो कि कहे जाते हैं तमिलनाडु के लोक देवता। फिर बथुकम्मा फेस्टिवल,
ये एक फूलों का फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है, फ्लोरल फेस्टिवल है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो तेलंगाना में किया जाता है। कब किया जाता है? दुर्गा नवरात्रि पे किया जाता है। होता क्या है, बथुकम्मा में, आप समझ लीजिए आसान भाषा में, यहाँ पे फूलों की इस तरीके से माला बनाई जाती है और ये इस तरीके से 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रखी जाती है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ये 7 सर्कल्स में रखी हुई है और ये पूरे फूलों की माला है। यहाँ पे सीजनल फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये दर्शाती है टेम्पल के गोपुरम को। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस फेस्टिवल के दौरान हम गौरी माता को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनको यहाँ पे बथुकम्मा के रूप में ही पूजा जाता है। फिर हम चलते हैं अपने अगले यहाँ पे टॉपिक की ओर। यहाँ पे फिर जो एक और झांकी थी वो थी भोरतल नृत्य की। ये जो नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बारपेटा रीजन, जो कि आसाम में है, वहाँ पे ये जो नृत्य है ये फेमस है। ये किसने डेवलप किया है? तो सटरिया के आर्टिस्ट जिनका नाम है नरहरि बुरहा भकत, उन्होंने ये डेवलप किया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो डांसर्स हैं दोस्तों, वो सिंबल्स या फिर अगर बताऊँ तो मंजीरा पकड़ के फास्ट बीट्स पे परफॉर्म करते हैं। इसको कहा जाता है जिया नोम। फिर अगला है यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम ऑफ भोपाल। ये मध्य प्रदेश की झांकी में दिखाया गया था। यहाँ पे गोंड, बाईगा, कोरकू, राजवार, सहारिया, भील, भरिया, इन सब ट्राइब्स ने प्रदर्शन किया था इस पर्टिकुलर आदिवासी संग्रहालय में। उसके अलावा भगवान लिंगराज की रकुन रथ यात्रा यहाँ पे अगली थी। जो लॉर्ड लिंगराज हैं वो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पे विष्णु जी को हरिहर रूप में पूजा जाता है। जो लिंगराज टेम्पल है वो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है इसके देखते हुए सवाल ये बन जाए कि लिंगराज टेम्पल कहाँ पे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर में है। फिर उसके बाद ब्रह्मोत्सवम, तो ये ब्रह्मोत्सवम है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तिरुपति में किया जाता है। अगर मैं बताऊँ तो टेम्पल है तिरुमाला तिरुपति टेम्पल। यहाँ पे कुचिपुड़ी डांस भी शोकेस किया गया था, जो कि एक आंध्र प्रदेश का ही डांस है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हस्तशिल्प भी शोकेस किए गए, जैसे कि कोंडापल्ली हैंडीक्राफ्ट या फिर कलमकारी पेंटिंग्स। ये सब के सब जो है आंध्र प्रदेश की यूनिक फीचर्स को दर्शाते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे अनुभव मंताप को यहाँ पे शोकेस किया था। ये एक अनुभव का केंद्र है जो कि बसवेश्वरा ने स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि अनुभव मंताप क्या है। उसके अलावा ये शोकेस कर रहा था पहला सोशियो रिलीजियस सेंटर, जो कि 12वीं सेंचुरी के आसपास कर्नाटक में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर अगला है लिविंग रूट्स ब्रिज। ये मेघालय का फेमस फीचर है यहाँ पे। तो ये जो ब्रिज है ये बेसिकली एक डबल डेकर ब्रिज है, यानी एक इस तरीके से ऊपर और इस तरीके से दूसरा नीचे, यहाँ पे जाने के रास्ते बने हुए हैं। ये बेसिकली पेड़ के लिविंग रूट्स से, यानी कि जड़ों से बना हुआ एक ब्रिज है। इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक नेचुरल क्रिएशन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में। ये जो पेड़ है ये रबर ट्रीज हैं, इनकी जड़ों से ये ब्रिज बना हुआ है। इस तरीके से डबल डेकर है, यहाँ पे भी व्यक्ति इस तरीके से क्रॉस कर सकता है और यहाँ से भी व्यक्ति इस तरीके से क्रॉस कर सकता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक बात करें तो ये नोंगरियाट में देखने को मिलेगा, जो कि चेरापूंजी में है। उसके अलावा एक सेव द फ्रॉग कैंपेन भी यहाँ पे प्रदर्शित की गई, जो कि कहाँ से रिलेटेड है? वो गोवा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये भी आप ध्यान रखें, हो सकता है इस तरीके से सवाल आ जाए कि सेव द फ्रॉग कैंपेन कौन से राज्य से रिलेटेड है। तो गोवा से वो रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर का यहाँ पे एक प्रोग्राम भी शोकेस किया गया, जिसका नाम था बैक टू विलेज प्रोग्राम, यानी कि वापस गांव की ओर चलने का एक प्रोग्राम था ये। उसके अलावा रानी की वाव और जल मंदिर, जो कि गुजरात की झांकी में शोकेस किया गया था। ये जो दोनों ही चीज़ हैं ये पतन सिटी में लोकेटेड हैं। रानी उदयमती द्वारा इनका कंस्ट्रक्शन कराया गया था, 1083 में इसको बिल्ड किया गया था। रानी उदयमती द्वारा ये जो बनाया गया था उनकी एक मेमोरी, जो कि उनके पति से संबंधित थी, यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो उनकी पति किंग भीमदेव वन, जो कि मूलराज के पुत्र थे सोलंकी डायनेस्टी के फाउंडर के, तो उनकी याद में बनाया गया था रानी उदयमती द्वारा ये रानी का वाव या फिर जल मंदिर। रानी की वाव की अगर बात करें तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी इसको मिला हुआ है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों।
ये बेसिकली डिनोट करता है कि जो रिपब्लिक डे है उसका यहाँ पे एंड हो गया, यानी ऑफिशियली डिनोट करता है एंड ऑफ द रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज़। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कब कंडक्ट किया जाता है, तो 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी की शाम को ये कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे तीनों ही सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा ये यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। और अगर 2016 में जाके हम लोग देखें तो उस समय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या फिर उनके साथ दिल्ली पुलिस द्वारा भी यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, यानी CAPF और दिल्ली पुलिस ने भी 2016 में यहाँ पे प्रदर्शन किया था। वैसे जनरली होता यह है कि तीन जो विंग होती हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उन तीनों द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। कब होता है? 3 दिन बाद होता है, रिपब्लिक डे के शाम को यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्रपति को इनवाइट किया जाता है। तो चीफ गेस्ट यहाँ पे कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग अशफाकुल्ला खान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रपोजल पे अपना अप्रूवल दे दिया है जिसके तहत 234 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं एक जूलॉजिकल गार्डन के लिए जो कि गोरखपुर में बनने वाला है। और उस जूलॉजिकल गार्डन का नाम शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम के ऊपर ही रखा जाएगा। अगर हम बात करें अशफाकुल्ला खान की, तो काकोरी का जो कांड हुआ था 1925 में, वहाँ पे अशफाकुल्ला खान को राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों के साथ में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में 22 अक्टूबर 1900 में महात्मा गांधी द्वारा, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो उस दौरान बहुत सारे युवक जो थे वो निराश हो गए थे, उनके अंदर वो जोश था कि भाई वो चाहते थे मूवमेंट कंटिन्यू हो और एंड में जो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना है हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। लेकिन बीच में ही, परंतु चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जब महात्मा गांधी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, तो बहुत सारे युवक निराश हो गए थे। उन्हीं युवकों में एक थे अशफाकुल्ला खान, और उसी से जो इनकी सोच थी, जो इनका भरोसा था नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजीज पे, वो धीरे धीरे डगमगाने लगा। और उसके बाद से ये मानने लगे थे कि भाई इस तरीके से हम अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाएंगे, अहिंसात्मक रणनीति जो है वो आगे तक नहीं ले जा पाएगी हमको, तो वक्त आ चुका है कि कट्टरपंथी तरीकों को अपनाया जाए। और उसके बाद से ये सब रेडिकल मेथड्स पे उतर आए थे, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने भाग लिया, जिसके तहत इनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स भी लिखी हैं, जिसमें ज़्यादातर उर्दू में है और कुछ एक हिंदी में भी है। ये जब कविताएं लिखा करते थे तो इनको कलम नाम था वारसी या फिर हजरत। 1920 के आसपास अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया, उसकी स्थापना की। और अगर हम लोग काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़े, तो अगस्त 1925 में एक ट्रेन जिसका नाम था काकोरी एक्सप्रेस, वो काफ़ी सारे लोगों ने मिल के लूट ली थी। उन लोगों में अशफाकुल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और इस रॉबरी या इस डकैती को कैरी आउट किया गया था, जिससे कि ये जो अभी अभी यहाँ पे HSRA बनी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके सभी एक्टिविटीज़ के लिए फंड जुटाया जा सके। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग लाई हरोबा के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये? एक फेस्टिवल है। कितने दिन मनाया जाता है? 5 दिन मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। कौन मनाता है? मेथी कम्युनिटीज मनाती हैं। तो देखिए, इस एक स्टेटमेंट से यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके सामने बन के आते हैं। लाई हरोबा क्या है? तो सबसे पहला फेस्टिवल है। वहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है, लाई हरोबा क्या है? एक डांस है। लाई हरोबा म्यूजिक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, ये महोत्सव है, फेस्टिवल है। कितने दिन मनाया जाता है? 5 दिन मणिपुर में मनाया जाता है, और मैती कम्युनिटीज़ वहाँ की जो है वो इसको मनाती हैं। ये जो त्यौहार है, ये ब्रह्मांड के निर्माण और पौधों, जानवरों, मनुष्यों के विकास को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। त्यौहार से क्या होता है? राज्य में जो उमंग लाई देवता हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे उमंग लाई देवता हैं उनके सम्मान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं। ये दोनों नृत्य करते हैं भगवान की मूर्ति के सामने। उसके अलावा यहाँ पे डांस ड्रामा भी परफॉर्म किया जाता है, और साथ में यहाँ पे खंबा थोई भी किया जाता है। ये क्या है? ये बेसिकली वहाँ का एक लोक नाटक है, या फिर ये वहाँ की लोक कथा है, जिसमें
हीरो खंबा है और थोई भी जो है वो है हीरोइन। तो इस तरीके का थिएटर भी वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। मौखिक साहित्य से, संगीत से, नृत्य से और अनुष्ठानों के माध्यम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये यहाँ पे कुछ चीज़ें। ये पहला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मनाया जाता है, कितने दिन का होता है, कौन सी कम्युनिटी मनाती है, कौन से देवताओं को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, क्या महिला और पुरुष दोनों लोग मनाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या हम लोग करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे एक खम्बा और थोईबी का इनेक्टमेंट होता है, ये क्या चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे मैती समुदाय के बारे में पढ़ते हैं जो इस फेस्टिवल के साथ संबंधित है। ये एथनिक ग्रुप है मणिपुर के, यानी ये वहाँ का जातीय समूह है एक। हालांकि ये सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है, इनकी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में पॉपुलेशन जो है वो आसपास के राज्यों में भी देखने को मिलती है, जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा आसपास के देशों में भी इनकी पॉपुलेशन है, जैसे बांग्लादेश या फिर म्यांमार की बात करें वहाँ पे भी अच्छे अमाउंट में माइतीज प्रेजेंट है। कौन सी भाषा बोलते हैं ये? तो ये माइतिलियन बोलते हैं, जो कि एक मणिपुरी भाषा है और ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज का हिस्सा है। जो भाषाएं होती हैं उनको कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है, उनमें से एक डिवीजन होता है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज। उस तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज के नीचे आती है ये माइतिलोन, जो कि मणिपुरी भाषा के तौर पे भी जानी जाती है। ये जो लैंग्वेज है ये वन ऑफ द ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेज है भारत की 8वीं अनुसूची में, और इसको 1992 में इस 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग जो कुटपुई के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक महोत्सव है। इम्पॉर्टेंट बात वही कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मिजोरम सरकार को आपको याद रखना है, मिजोरम से रिलेटेड है। और मिजोरम सरकार इस फेस्टिवल को इस बार कम से कम 10 स्टेट्स में और सेलिब्रेट करेगी। यहाँ पे जो मिजो की ट्राइब्स हैं वो अलग अलग तरीके के अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम परफॉर्म करेगी। इसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मिजो ट्राइब्स भारत के अलग अलग अंगों में रहती है या फिर पूरे विश्व के अलग अलग शहरों में, देशों में रहती है, उन सबको आपस में यूनाइट किया जा सके। तो उनके यूनिफिकेशन के लिए ये होता है जो कुटपुई, यानी मिजो सरकार यहाँ पे मिजोरम में होता है। और ट्राइब की बात करें तो ट्राइब यहाँ पे मिजो ट्राइब है, ये दो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर हम पढ़ते हैं मिजोरम के कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। एक है मीम कुट, ये अगस्त और सितंबर के महीनों में मनाया जाता है, जब मक्का की फसल यानी मेज जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो, यानी कटाई के लिए तैयार हो। फिर उसके अलावा एक और त्यौहार है चापचर कूट, ये मार्च के महीने मनाया जाता है। फिर जो तीसरा है वो है थल फवांग कुट। तो ये जो तीन है, तीनों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कुट लिखा हुआ मिलेगा, ये सब रिलेटेड है मिजोरम से। तो इस तरीके की कोई ट्रिक से आप इसको याद रखने की कोशिश करें। अब हम पढ़ते हैं मिजोज के बारे में, जो हमारे जो कुटपुई महोत्सव में इम्पॉर्टेंट ट्राइब थी। ये एथनिक ग्रुप है कहाँ का? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। इसके अलावा बर्मा या फिर म्यांमार में भी पाया जाता है और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। बांग्लादेश की भी बात करूँ तो पूर्वी बांग्लादेश में पाया जाएगा। ये जो टर्म है मिजोज, ये काफ़ी सारे एथनिक पीपल को कवर करती है। बेसिकली यहाँ पे हम मानते हैं वो सभी लोग जो कि कुकी चिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं वो इस ट्राइब के अंदर कवर किए जाएंगे। ट्रेडिशनली ये लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, यानी परंपरागत रूप से ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर उस तरीके की कृषि का अभ्यास करते हैं। अब ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है दोस्तों? तो बेसिकली किसी भी एक इलाके में जहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन हो या बहुत सारे पेड़ पौधे हों, वहाँ पे सभी वेजिटेशन काट दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। जो राख है वो इस मिट्टी में मिला दी जाती है और फिर यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। जब एक बार ये जो भूमि है ये इनफर्टाइल हो गई, तो फिर इसको छोड़ के एक दूसरी लैंड पे चले जाते हैं लोग, और वहाँ पे भी यही करते हैं, जो वहाँ का वेजिटेशन है उसको काटते हैं, काट के जला देते हैं। जला के जो राख है वो सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती है, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, फिर आगे मूव कर जाते हैं जब ये लैंड इनफर्टाइल है। तो इसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का भी फॉर्म कहते हैं। उसके अलावा कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट अगर हम लोग मिजो ग्रुप की बात करें तो उसमें लुशाई, पावी, लाखेर और हमार, ये सब इंक्लूडेड हैं, तो ये आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग रॉक आर्ट या रॉक शैल का विनाश के बारे में पढ़ेंगे। हो क्या रहा है, नीलगिरी के जंगलों में करीब 40% जो रॉक पेंटिंग्स हैं किलिकागूर नामक जगह में, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ह्यूमन इंटरवेंशन से। अब यहाँ पे जो इरुला आदिवासी समुदाय है जो कि नीलगिरी वन के रॉक आर्ट साइट के उत्तराधिकारी हैं, अवैध ट्रैकर्स द्वारा इन चित्रकलाओं
को पहुंच रही क्षति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। जो करिकियर के आसपास स्क्रिप्ट्स पाई जा रही हैं, जो रॉक पेंटिंग्स पाई जा रही हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे जो पाई जाती हैं उन स्क्रिप्ट से मेल खाती हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो इरुला आदिवासी समुदाय है, जो जनजाति है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये कहाँ रहती हैं? ये लार्ज पार्ट ऑफ नदन तिरुवल्लुवर, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर रहती हैं। चेंगलपट्टू में रहती हैं, कांचीपुरम में रहती हैं, तिरुवन्नमलाई में रहती हैं, उसके अलावा वायनाड में रहती हैं, इडुक्की में रहती हैं, पलक्कड़ में रहती हैं। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल चीज़ को देखें तो तमिलनाडु के राज्य से ये सब की सब एसोसिएटेड हैं। ये जो ट्राइब है, इनका ओरिजिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। ये इरुला भाषा कहते हैं या बोलते हैं, जो कि एक द्रविड़ियन लैंग्वेज है, जैसे कि कन्नड़ और तमिल। देखिए, ट्राइब का नाम है इरुला, तो जो भाषा है उसका नाम भी यहाँ पे इरुला ही है। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ये PVTG है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब एक बार हम लोग ये समझते हैं कि PVTG क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है, यानी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों का समूह क्या होता है। देखिए, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनमें भी कुछ ऐसा सेक्शन होता है ट्राइबल ग्रुप्स का, समझ लीजिए ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो इनमें भी कुछ ऐसा सेक्शन होगा ट्राइबल ग्रुप्स का जो एजुकेशनली सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और बेसिक एमिनिटीज़ भी उनको प्राप्त नहीं हो पाती। ये जो ग्रुप है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी में भी नहीं आता और इसको संविधान रिकग्नाइज भी नहीं करता। करीब 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी 75 जनजाति समूह हैं, जिनको PVTG के तौर पर रिकग्नाइज कर रखा है। और इस तरीके से रिकग्नाइज करने की पावर किसके पास है, तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के पास ये पावर है, और उसके तहत टोटल 75 कम्युनिटीज़ या फिर ग्रुप्स को यहाँ पे PVTG घोषित करा हुआ है हमने। ये जो ग्रुप्स हैं ये टोटल भारत की 18 स्टेट्स में निवास करते हैं और अंडमान एंड निकोबार में भी इनकी एग्जिस्टेंस पाई गई है। अब इनको ये रिकग्निशन देने का क्या मतलब है? देखिए, हमने बात किया था कि जो भी ये अगर पूरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं तो इसमें भी कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। अगर आप भले आर्थिक आधार पर बात करें, सोशल इकोनॉमिक आधार पर बात करें या फिर किसी और आधार पर बात करें, तो ये जो है ये बैकवर्ड है और इसी वजह से इनको जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो भी नहीं मिल पाती। तो इसी के चलते हम लोग इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, जिससे इनको बेहतर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकें, शिक्षा इनको प्रदान की जा सके, इनके स्वास्थ्य के लिए प्रावधान किए जा सकें, इनका स्किल का डेवलपमेंट हो सके, कृषि पे इनके लिए हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकें, हाउसिंग इनका जो अभी कुछ पता नहीं है उसके बारे में भी सरकार कुछ कर सके, और इनका जो कल्चर है उसको कंजर्व कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें। तो ये बेसिक पर्पस है कि कैसे भी करके जो ये जनजातियाँ हैं इनको हम एक हाथ दे सकें, जिससे कि ये और ऊपर उठ सकें, हर एक जो एटलीस्ट बेसिक एम्यूनिटी है वो तो एक्सेसिबल हो पाए इन लोगों को। फिर हम समझते हैं ये जो रॉक आर्ट की बात हो रही है, जिसके विनाश की वजह से ये कम्युनिटी डिस्टर्ब्ड है, वो क्या होते हैं? देखिए, रॉक आर्ट क्या है, समझ लीजिए, ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर से ठोक ठोक के आपने इस तरीके की एक आकृति क्रिएट कर दी है, तो ये जो है इसको आप कहते हैं रॉक आर्ट, यानी कि इसको नेचुरल स्टोन्स के ऊपर किया जाता है। और इसमें भी आप दूसरे कई बार स्टोन से बनाते हैं, कई बार आप यहाँ पे पत्थर के ऊपर पेंट भी करते हैं, लेकिन बेसिक इसका फीचर ये है कि आप इसको रॉक के ऊपर बनाएं, यानी रॉक या फिर पत्थर के ऊपर बनाई गई आर्ट को आप कहते हैं रॉक आर्ट। इसको बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है पेट्रोग्लिफ, उसमें होता क्या है समझ लेते हैं, ये पत्थर है तो मेरे हाथ में यहाँ पे मैं दूसरा पत्थर लूँगा और पत्थर को ठोक ठोक के यहाँ पे कोई एक चित्र बनाऊँगा, तो ये जो चित्र बनेगा इसको आप कहेंगे पेट्रोग्लिफ। फिर होती है पिक्टोग्राफ, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये पत्थर है, अब मैं यहाँ पे पत्थर ना लेके पेंट्स लूँगा, अलग अलग रंग लूँगा, भले ही वो नेचुरली डिराइव्ड हों या फिर किसी और तरीके से डिराइव्ड हों, मैं उन पेंट से यहाँ पे पेंटिंग करूँगा। और ये जो पेंटिंग हम लोग बनाते हैं, इस पेंटिंग को कहा जाता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में बेसिकली आप पेंट का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोग्लिफ्स में बेसिकली आप पत्थर का ही इस्तेमाल करते हैं और दूसरे पत्थर पे उसको ठोकते हैं। फिर तीसरा है अल्पाना रंगोली या फिर अर्थ फिगर्स। जैसे कि बात हो रही है रंगोली या अर्थ फिगर, तो ये बेसिकली धरती पे यानी भूमि पे बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से कोई डिज़ाइन बनाएंगे धरती पे यानी फ्लोर पे, और उसको हम लोग कहते हैं अल्पना रंगोली या फिर अर्थ फिगर।
अगर हम बात करें तो आपको कहाँ पे इस तरीके की रॉक पेंटिंग्स देखने को मिल सकती हैं, तो भारत में भीमबेटका केव्स, माफ़ कीजिएगा, भीमबेटका केव्स, उसके अलावा बाघ केव्स, जोगीमरा केव्स और अरमामलाई केव्स, तो ये जो हैं इन सब जगहों पे आपको इस तरीके के रॉक आर्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग इम्फाल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल में उसकी 75th एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसकी वजह से वो अभी न्यूज़ में है। और इसी 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एक इम्फाल पीस म्यूज़ियम की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? रेड हिल्स के फुट हिल्स पे। और कहाँ पे है? ये है इम्फाल में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और ये जो म्यूज़ियम बनाया है किसने बनाया है? तो मणिपुर के टूरिस्ट फोरम और मणिपुर की सरकार ने द निप्पन फाउंडेशन TNF जापान के साथ मिलके ये म्यूज़ियम की स्थापना की है। यानी इसमें टोटल 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले मणिपुर का ही टूरिज्म फोरम, दूसरी मणिपुर की सरकार, तीसरा जापान की ये संस्था, इन तीनों ने मिलके इस म्यूज़ियम की स्थापना की है। जो रेड हिल है, माना जाता है ये वही जगह है जहाँ से जापानी आक्रमण के अंत की शुरुआत हुई। तो ये आप ध्यान रखें। पूछा जा सकता है रेड हिल कहाँ पे पड़ती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये इम्फाल में पड़ती है। न्यूज़ की ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स आपको मिस नहीं करनी है। अब अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे इम्फाल के युद्ध के बारे में पढ़ें, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। ये बेसिकली जापान से जो लोग इन्वेड कर रहे थे और जो ब्रिटिश इंडिया थे, इनके बीच में हुआ था। कहाँ पे लड़ा गया था ये? तो माइबम लोकपा छिंग नामक जगह पे लड़ा गया था, जिसको ही हम रेड हिल के नाम से जानते हैं। इम्फाल के पास में ये चीज़ पड़ती है। करीब 70,000 जापानी सैनिक, जो कि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा थे, वे शहीद हो गए जब ब्रिटिश लेड अलायंस से उनका युद्ध चल रहा था इम्फाल और कोहिमा के आसपास। मार्च से जून तक ये युद्ध चला है 1944 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आखिरी युद्ध था वो रेड हिल पे लड़ा गया था, इसी वजह से ये म्यूज़ियम रेड हिल पे ही बनाया गया है। तो वहाँ पे आखिरी युद्ध लड़ा गया था, इस वजह से जो जापानीज इन्वेजन था उसके अंत की शुरुआत हो गई थी। फिर उसके अलावा जापानीज वॉर मेमोरियल भी बिल्ट अप किया गया था यहाँ पे 1994 में, जब हम लोग 50वीं एनिवर्सरी मना रहे थे। देखिए 44 में ये युद्ध हुआ, 94 में इसके 50 साल पूरे हो गए थे। तो आपको याद रखना है, 50 साल पूरे होने पर हमने जापानीज वॉर मेमोरियल बनाया है, और अब 75 साल पूरे होने के बाद हमने यहाँ पे एक म्यूज़ियम की स्थापना की है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग ओट्टन थुल्लाल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये? ये एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है। यानी ड्रामा तो होता ही है, लेकिन ड्रामा के बीच बीच में यहाँ पे डांस भी होता है। तो लोग अपने नृत्य के तहत, यानी नृत्य के मदद से यहाँ पे नाट्य कला का प्रदर्शन करते हैं। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो आप ध्यान रखें, केरला में परफॉर्म किया जाता है। किसने इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है कंचन नाम्बियार द्वारा, और चकियार कत्थू की ऑल्टरनेटिव के तौर पे इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को डेवलप किया गया है। कंचन नाम्बियार इसको एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, जिससे उनके दौर में समाज में प्रचलित जो भी सामाजिक राजनीतिक संरचना थी और समाज के जो रूढ़िवादी विचार रहे थे, उसके खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का डेवलपमेंट किया गया था, और इसको उसी के माध्यम के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये जो परफॉर्मेंस है ये मंदिरों में होने लगा, और आने वाले समय में फिर ये वहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर लोक कला बन गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। पहले इसको वहाँ पे जो सोशल माइंडसेट थे उससे लड़ने के लिए बनाया था, धीरे से ये मंदिरों में परफॉर्म होने लगा, आने वाले समय में इसको लोक कला के तौर पे लोग रिकॉग्नाइज करने लगे। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो भी इसमें व्यक्ति है, मान लीजिए ये डांसर है, तो ये खुद ही इसमें गाना गाता है और खुद ही इसमें एक्टिंग करता है। तो ये जो है ये बड़ा यूनिक फीचर है। जो व्यक्ति डांस कर रहा है वही के वही गाना गाएगा और वही यहाँ पे एक्टिंग भी करेगा, इसकी वजह से ये काफ़ी यूनिक बन जाता है। साथ में इसमें कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए डांस हो रहा है, गाना गा रहे हैं, तो म्यूज़िक होना चाहिए। तो म्यूज़िक में अगर हम बात करें तो मृदंगम और इडाक्का का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब जो मृदंगम होता है वो बेसिकली आप एक समझ के लिए बता देता हूँ मैं, कि ये ढोलक जैसा होता है। ढोलक आप लोगों ने देखी होगी, मृदंगम भी काफ़ी हद तक ढोलक जैसा दिखता है। और अगर इडाका की बात करूँ तो ये छोटे डमरू जैसा दिखता है। तो ये दोनों यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, इनसे बीट्स दी जाती हैं।
जो डांसर है वही गाना गाता है, वही एक्टिंग करता है और यहाँ पे परफॉर्मेंस देता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंचन नाम्बियार का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है, एक विकल्प के तौर पर डेवलप किया था चकियार कोथू के। अब बात आती है ये चकियार कोथू क्या है जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं, तो ये भी एक लोक कला है केरल की। यहाँ पे बहुत ही परिष्कृत तरीके से यानी बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो पुराणों की और हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उनकी स्टोरीज़ को यहाँ पे रिसाइट करता है, उनको बताता है। जैसे अभी आज के समय में स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स होती हैं, समझ लीजिए वैसा ही इसमें भी होता है। एक जो व्यक्ति है वो बस खड़ा हो जाता है और समझ लीजिए माइक पे वो सुना रहा है पुराणों की कहानियाँ और हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उनकी कहानियाँ। तो इसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के ऑल्टरनेटिव या फिर विकल्प के तौर पे डेवलप किया गया था ओटन थुलाल। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है उसके कंसर्न्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी विश्व विरासत समिति की क्या क्या चिंताएं हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी है उसने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। उसने बेसिकली दो जगह के संरक्षण के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। सबसे पहले तो हम्पी हेरिटेज साइट और दूसरा है दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे। वो इसीलिए की है क्योंकि हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे अगर आप देखेंगे तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से ये साइट कैसे अफेक्ट होगी, किस तरीके से इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, इन सब चीज़ों को जानते हुए भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं इनकी लापरवाही की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी है वो चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। फिर उसके बाद भारतीय रेलवे से कई बार अनुरोध किया गया लेकिन उसके बाद भी निगरानी और सामान्य रख रखाव की कमी, उसके अलावा पटरियों के किनारे जो अतिक्रमण होते हैं, उसके अलावा जो कचरा फेंका जाता है इधर उधर, तो इस सब के बारे में वर्ष 2017 से 2019 के बीच क्या क्या हुआ इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स या फिर जो रूल्स स्थापित किए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनका उल्लंघन माना जा रहा है। लगातार लोग अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप हमको प्लीज़ इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, लेकिन रेलवेज़ भी यहाँ पे नेग्लिजेंट एटीट्यूड दिखा रही है। उसके ऊपर हमने देखा यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेके नेग्लिजेंट अथॉरिटी एटीट्यूड दिखा रही हैं। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम्पी के बारे में जानना और दार्जिलिंग की रेलवेज़ के बारे में जानना। पहले हम्पी पे चलते हैं। हम्पी जो है ये अंतिम हिंदू साम्राज्य की राजधानी विजयनगर एम्पायर जो कि है उसके यहाँ पे रुइंस पाए गए हैं, यानी उसके अवशेष पाए जाते हैं। ये विजयनगर जो एम्पायर था ये पूरा साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में स्थापित हुआ था, तब इसने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। 14th सेंचुरी की बात करूँ मैं तो वहाँ पे ये जो रुइंस है हम्पी में ये करीब 26 स्क्वायर किलोमीटर्स की क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। उसके अलावा हम्पी में कई सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर भी मौजूद हैं, जैसे कि विट्ठल टेम्पल जो कि हम्पी में है वो विजयनगर एम्पायर के ज़बरदस्त आर्टिस्टिक स्टाइल को प्रदर्शित करता है। उसके अलावा जो विजयनगर का एक स्मारक है यहाँ पे उसको विद्यासागर के रूप में भी जाना जाता है, वो संत विद्या नारायण के सम्मान में बनाया गया था। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा अगर हम बात करें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ की, तो बेसिकली पूरे अगर आप भारत में देखेंगे तो 3 ऐसे रेलवेज़ हैं जो कि पहाड़ों से होकर गुजरती है, यानी पर्वतीय रेलवे की आप बात करें तो 3 रेलवेज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है भारत में हालांकि पर्वतीय रेलवेज़ तो और भी हैं लेकिन 3 ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में अपना नाम पाती हैं। सबसे पहले है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़, दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ और तीसरा है कालका शिमला रेलवे। जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ है ये बेसिकली हिमालय के फुटहिल्स पे लोकेटेड है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखें आप। उसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ है ये जैसे कि नाम बता रहा है नीलगिरी हिल्स के आसपास लोकेटेड है तमिलनाडु में। फिर जैसे कालका शिमला रेलवेज़ का नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इसी अनुसार आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रेलवेज़ है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं दार्जिलिंग वाली रेलवेज़ की, क्योंकि अभी वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी है उसने यहीं पर अपना कंसर्न जताया है। तो जो दार्जिलिंग रेलवेज़ एग्जाम्पल है वो प्रदर्शित करता है एक बहुत ही ज़बरदस्त हिल पैसेंजर रेलवे सिस्टम को। ये 1881 में स्टार्ट किया गया था
और एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जिसके तहत ऐसे पहाड़ियों में भी, मतलब ऐसे रीजन में भी रेलवेज़ के कनेक्शन एस्टैब्लिश किए जा सकें, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर हम चलते हैं अगली अपने टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग एक पेंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेंटिंग है कांगड़ा पेंटिंग या कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, पहले के सारे जो ज़्यादातर पेंटर्स थे वो मुग़ल एम्पायर के अधीन हो के वहाँ पे पेंटिंग बनाया करते थे। फिर हुआ क्या, मुग़ल एम्पायर का हो गया डिक्लाइन। अब जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया तो फिर इन जो पेंटर्स थे, जो सभी चित्रकार थे, उनको लगा कि भाई हम तो बेरोज़गार हो गए, कहाँ जाएंगे। तो वहाँ से काफ़ी तो मुग़ल स्टाइल के जो पेंटर्स थे वो निकल गए हिमाचल की तरफ, और वो जाके वहाँ पे कांगड़ा में सेटल हो गए। और जो काफ़ी हैं यहाँ पे वो राजस्थान की तरफ निकल गए, और वो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स में अपना योगदान देने लगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये दूसरी टाइप के जो पेंटर्स थे, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में निकल गए थे, फिर वहाँ की पेंटिंग में कंट्रीब्यूट करने लगे। तो उनके द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई उसको यहाँ पे नाम दिया गया कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो इनका अगर आप ओरिजिनेशन देखें तो पीछे जाते हुए आप देखेंगे सबका ओरिजिनेशन एक ही जगह से है, मुग़ल एम्पायर से। लेकिन क्योंकि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, इसी वजह से उनको वापस रोज़गार अपना पाना था, तो वो चले गए हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहाँ पे कांगड़ा जगह जो है, जो ज़िला है, वहाँ जाके वो सेटल हुए। वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू की, और वहीं पे उनको पेट्रोनेज मिला किंग गोवर्धन सिंह का। तो ये राजा का नाम आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ तो पेट्रोनेज दिया गया, फिर ज़्यादातर जो पेंटिंग बनी है इस स्टाइल की उसको पेटर्नेज दिया है किंग संसार चंद ने, यानी इन राजा का भी आप नाम याद रखें। हो सकता है एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ जाए जहाँ पे आपको राजा का नाम दिया हो और आपसे पूछा हो कि कौन सी पेंटिंग के साथ ये संबंधित है, तो आपको याद रखना है कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के साथ ये संबंधित है। अब इस पेंटिंग के क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये पेंटिंग जो है वो कृष्ण लीलाओं के आसपास रिवॉल्व करती हैं। भगवत पुराण इसका एक टॉपिक होता है, गीत गोविंद, बिहारी लाल सच्चाई या फिर नाल दमयंती, ये इसके सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये 19वीं सदी तक काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही। इस पेंटिंग में भगवान कृष्ण को एक अहम भूमिका निभाने को कहा गया, और इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर जो आप पेंटिंग्स देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का चित्र आपको देखने को मिलेगा। अब हम जो अगला टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है दलाई लामा के बारे में और उनके सक्सेसर के बारे में। आग्रह किया है जिसके अनुसार जो तिब्बत के दलाई लामा हैं, चीन ने कहा है कि भारत उनके उत्तराधिकारी को मान्यता ना दे। वो इसीलिए क्योंकि चीन के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुसार जो दलाई लामा हैं और जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको मान्यता देने की जो पूरा राइट है वो चीन की सरकार को प्राप्त है, और जो सक्सेसर है उनका चयन देश में मौजूद एक 200 साल पुरानी प्रथा है, एक प्रक्रिया है, उसके तहत होना चाहिए। अगर उसके तहत यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर जो भी सक्सेसर है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता चीन सरकार द्वारा। तो अभी जो है उस प्रोसेस के थ्रू जो सक्सेसर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो नहीं हुआ है। इसी वजह से चीन ने भारत से आग्रह किया है कि आप जो भी नया सक्सेसर अपॉइंट हुआ है उसको प्लीज़ मान्यता ना दें। अगर भारत इसमें कोई भी इंटरफेरेंस करता है कि भाई सक्सेसर का इशू ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए और हम तो मान्यता देंगे, या फिर अगर कोई भी भारत इसमें इंटरफेयर करता है तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं। शुरू से ही जो इलेक्शन रहा है दलाई लामा के सक्सेसर का वो एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, यानी यहाँ पर धर्म और राजनीति को बहुत समय से साथ देखा जाता है। इसीलिए जो ये सक्सेसर है, यानी कि जो उत्तराधिकारी का पद है, ये खुद पर्सनल विल पे या फिर मैं अपने डिस्क्रिशन पे अपनी निजी इच्छा के अनुसार नहीं चुन सकता यहाँ पे। और अगर कोई दूसरे देश में रहने वाले लोग हैं तो उनके द्वारा भी ये नहीं चुना जा सकता, क्योंकि ये जो मुद्दा है इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो चीन सरकार का इसमें अहम योगदान रहेगा, और अगर उनकी सहमति से या उनसे पूछे बिना कोई भी सक्सेसर अपॉइंट कर दिया गया तो वो उसको मान्यता नहीं देंगे। और जैसा कि आपने देखा, वो दूसरे देशों को भी यही आग्रह करेंगे कि दूसरे देश भी उन उत्तराधिकारी को मान्यता ना दे। अब हम लोग दलाई लामा के बारे में पढ़ते हैं। दलाई लामा बेसिकली तिब्बती बौद्ध धर्म के जो भी विद्यालय हैं उनमें से जो सबसे नया विद्यालय है, जो सबसे नया स्कूल है तिब्बतन बुद्धिज़्म का, उससे बिलोंग करते हैं।
इस तिब्बतन बुद्धिज्म में जो भी व्यक्ति लीड करता है, जो भी व्यक्ति लीडर होता है, तो उसको एक टाइटल दिया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा। टाइटल है यहाँ पे गेलुग या फिर येलो हैट, यानी जो भी व्यक्ति इस बुद्धिज्म में लीडर की तरह उभरेगा उसको येलो हैट कहा जाएगा तिब्बतन पीपल द्वारा, या फिर गेलुग कहा जाएगा। अभी जो प्रेजेंट दलाई लामा है वो तेंजिन ग्यात्सको हैं और वो 14th हैं इस पूरी चेन में। ऐसा माना जाता है जो दलाई लामाज होते हैं वो किसी न किसी रूप से एक मैनिफेस्टेशन है अवलोकितेश्वर का। जो ये अवलोकितेश्वर हैं ये बेसिकली ऐसा माना जाता है कंपैशन या फिर सहानुभूति के बोधिसत्व हैं और एक तिब्बत के संरक्षक संत भी हैं, और उन्हीं का मैनिफेस्टेशन या फिर उन्हीं का एक अवतार माना जाता है दलाई लामाज को। और बोधिसत्व कौन होते हैं? देखिए, बोधिसत्व वो होते हैं जो अपना एनलाइटनमेंट अचीव करते हैं इस पर्पस के लिए कि वो जाके लोगों के हित के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको भगवान का, उनको धर्म का रास्ता दिखाने के लिए इस डेथ और लाइफ की साइकिल में घूमते रहें और आगे जाके बस लोगों को रास्ता दिखाते रहें, हर एक व्यक्ति का हित करते रहें, पुनर्जन्म लेने में उनको यहाँ पे अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। इसीलिए जो एनलाइटनमेंट है वो उसके आगे निकल के मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ते, वो चाहते हैं कि वापस से वो इसी धरती पर जन्म ले जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित कर सकें। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग महेश रथ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। अभी 4 जुलाई को महेश रथ यात्रा निकाली गई। 2019 वर्ष में उसका 623वां एडिशन सेलिब्रेट किया गया था। ये कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाता है? ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज कराया जाता है जो कि वेस्ट बंगाल में है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये 623वां एडिशन था, यानी कि करीब 623 साल से तो ये निश्चित तौर पे चल रही है। इसी वजह से हम कहते हैं ये सबसे पुरानी रथ यात्रा है वेस्ट बंगाल की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेस्ट बंगाल की सबसे पुरानी रथ यात्रा कौन सी है, तो आपको याद रखना है महेश रथ यात्रा, क्योंकि वो 1396 में पहली बार आयोजित की गई थी और तब से हर वर्ष इसको आयोजित किया जा रहा है। अगर हम हुगली डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर जाएंगे तो श्रीरामपुर नामक जगह पर ये रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, और ये पूरे विश्व का अगर मैं बात करूं तो सेकंड ओल्डेस्ट कैरियट फेस्टिवल है, यानी कि पूरे विश्व में दूसरा सबसे पुराना रथ उत्सव है ये। और तो भारत में अगर बात करें तो पहले नंबर पे है, लेकिन अगर विश्व में बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे पुराना रथ उत्सव है ये। फिर हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। यहाँ पे भी हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। ओडिशा के रसगुल्लों को मिला है जीआई टैग। हाँ भाई, ऐसा है कि आपने आज तक सुना होगा रसगुल्ले तो बंगाल के फेमस होते हैं, तो ये ओडिशा के रसगुल्लों को कैसे जीआई टैग मिला है? देखिए, यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल दोनों ही जगह रसगुल्ले के ओरिजिनेशन के तौर पे जानी जाती हैं, और जो बंगाल के रसगुल्ले हैं उनको तो वर्ष 2017 में ही जीआई टैग दे दिया गया था, लेकिन जो ओडिशा के रसगुल्ले हैं वो भी जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है उसके साथ एसोसिएटेड माने जाते हैं। इसी वजह से इनके भी अपने अलग गुण हैं जो कि और किसी भी राज्य में आपको रसगुल्ले में नहीं मिलेगा, और इसी वजह से उस जोग्राफिक एरिया को रिकग्नाइज करने के लिए और ये रसगुल्ला वहीं पे बना है, इसी वजह से ओडिशा के रसगुल्ले को भी जीआई टैग दे दिया गया। यानी अब बंगाल और ओडिशा दोनों के ही रसगुल्लों को जीआई टैग मिला हुआ है, बंगाल का 2017 और अब ओडिशा का 2019। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ना चाहें तो जीआई टैग क्या है? बेसिकली अगर मान लेते हैं कोई एक एरिया है जहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ का निर्माण हो रहा है जो सिर्फ उसी जगह के हिसाब से फेमस है, तो उस जगह के डिस्टिंक्टिव फीचर और उस जो चीज़ है उस वस्तु की रेपुटेशन के लिए हम लोग जीआई टैग दिया करते हैं। फिर अगर इसमें होता यह है, मान लेते हैं हम लोग दार्जिलिंग की चाय को अगर जीआई टैग मिला है, तो अगर कल को आप चाय खरीदने जाएंगे और कोई कहता है भाई ये शुद्ध दार्जिलिंग की चाय है, तो आपके मन में उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। आप सोचते हैं कि भाई अगर ये दार्जिलिंग की चाय है तो ये 100% अच्छी ही होगी। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में और उसकी यूनिकनेस को बढ़ाने में ये टैग बहुत मदद करता है। इसको हिंदी में हम लोग भौगोलिक संकेतक टैग भी कहते हैं। अब भाई, एक पेरिस कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक पेरिस कन्वेंशन हुआ था। इस कन्वेंशन के तहत आईपीआर करके एक कंपोनेंट बना था। इस आईपीआर का ही एक छोटा सा कंपोनेंट है जीआई टैग।
तो अगर आप बात करें कि जीआई टैग को ओरिजिनेशन कहाँ से मिला, तो पेरिस कन्वेंशन से इसको ओरिजिनेशन मिला। उसमें बात हुई आईपीआर की, और आईपीआर का एक छोटा सा कंपोनेंट है जीआई टैग। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो जीआई टैग जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ट्रिप्स की अगर बात करूँ तो फुल फॉर्म इसका होगा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये तो हो गया भाई ग्लोबल लेवल पे। उसी समय रीजनल लेवल पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नेशनल लॉज भी आए, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ आइटम्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो इम्प्लीमेंट किया गया सितंबर 2003 को। दार्जिलिंग की जो चाय जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भारत का ऐसा पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला वर्ष 2004 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि आप बताएं कि भारत का पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है वो था दार्जिलिंग। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है, जो जीआई टैग हैं ये 10 साल के लिए वैलिड रहते हैं। 10 साल के बाद आपको इनको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। समझ लेते हैं, 2009 में अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिला है तो वो जीआई टैग चलेगा 2019 तक। अगर उसके बाद आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो फिर आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग एक चटाई के बारे में चर्चा करेंगे, ये है पट्टा मडाई रेशमी चटाई। अभी हुआ क्या है, जो ये रेशमी चटाई बनाई जाती थी, तो इसके उत्पादन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पावर लूम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है इसका वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और बढ़े हुए प्रोडक्शन की वजह से ये बात श्योर है, जो कम्युनिटी है उसकी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई है। अभी तक ये जो चटाई थी ये हाथ से बनाई जाती थी, और इसको हम लोग पट्टू पाई भी कहा करते थे। बेसिकली जैसे कि हम नाम में देख रहे हैं, ये सिल्क की चटाई हुआ करती थी। अब इसको बनाने की जो ये आर्ट है, ये जो कला है, ये कहाँ से आई है, तो ये तिरुनिवेली डिस्ट्रिक्ट से आई है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये जो चटाई है ये कोराई ग्रास से बनाई जाती थी, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है चीज़ याद रखनी है। इस चटाई को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अगर हम बेसिक बात करें तो ये शादियों के पर्पज़ के हिसाब से बनाई जाती थी, और इसमें दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम और किस तारीख को उनकी शादी है, ये सब मेंशन्ड होता था। यानी मानिए इस तरीके से चटाई बनाई गई, तो यहाँ पे दूल्हे का नाम होगा, और फिर उसके बाद उसकी शादी किससे हो रही है, तो यहाँ पे दुल्हन का नाम होगा, और किस तारीख को हो रही है, यहाँ पे उस तारीख का नाम मतलब तारीख का जिक्र होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पावर लूम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इनके प्रोडक्शन में। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग पश्मीना के उत्पादों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनको BIS प्रमाण पत्र मिला है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने उनको सर्टिफाई किया है। बेसिकली कहानी शुरू ऐसे होती है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स था, उसने जब जो सभी पश्मीना के उत्पाद हैं, यानी सभी पश्मीना के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग के लिए अपने परव्यू में रखा था। यानी अब BIS जो है वो सब चीज़ें मॉनिटर करेगा, क्या ये सही ढंग से बन रही है, क्या क्वालिटी का सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये एक्चुअली प्योर है। तो ये सब प्योरिटी को सर्टिफाई करने के लिए किया गया था। सर्टिफिकेशन से क्या होगा, जो पश्मीना में मिलावट होती है वो मिलावट यहाँ पे नहीं होगी, जिसकी वजह से जो भी कंज्यूमर खरीदेगा ये बात श्योर रहेगी कि उसको प्योर पश्मीना के ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर पश्मीना के उत्पाद की बात करें तो लद्दाख पूरे विश्व में सर्वाधिक और सबसे उन्नत किस्म की पश्मीना का उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा करता है, करीब 50 मीट्रिक टन, और सबसे बेहतरीन क्वालिटी के ये पश्मीना उत्पादों का उत्पादन करेगा। जो असली जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे पश्मीना के, वो बेसिकली एक अलग टाइप के पश्मीना की बकरी के बालों से बनाए जाते हैं, उसको छोंगथंगी भी कहा जाता है। तो ये एक लद्दाखी नाम है, और ये जो छोंगथंगी है या फिर पश्मीना गोट्स हैं, ये कहाँ मिलती हैं, तो लद्दाख के हायर एलिवेशन पे मिलेंगी। ये मान लीजिए यहाँ पे अगर लद्दाख स्थित है तो जनरली ये हायर एलिवेशन पे रहती हैं। इनके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और इसी वजह से ये मदद करते हैं दुनिया के बेस्ट पश्मीना बनाने में, जो काफ़ी मोटी होती है और थिकनेस में वो 12 से 15 माइक्रॉन्स की होती है। लोग बकरियों को घर में पाला करते हैं, और अगर पश्मीना प्रोडक्ट से इस चीज़ को रिलेट करें तो एक नोमैडिक कम्युनिटी है। ये नोमैडिक कम्युनिटी जिसका नाम है छंगपा, और वो जो जगह पे रहती है उसका नाम है छंगतंग एरिया ग्रेटर लद्दाख का, वो नोमैडिक कम्युनिटी इस प्रकार की बकरियों को घर में पालते हैं।
फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब यहाँ से जो टॉपिक है वो हमको काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो यहाँ से आपको चीज़ें बस याद करनी है। एक है तवांग महोत्सव, कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। कैसे होता है? एनुअल बेसिस पे होता है, यानी हर वर्ष इसको कंडक्ट किया जाता है। 2012 में इसको शुरू किया गया था। सबसे मुख्य रूप से इसका आकर्षण है कि इसमें याक डांस होता है, यानी कि जो लोग हैं वो इस तरीके से याक बन जाते हैं और याक बनने के बाद वो डांस करते हैं, तो इसको याक डांस कहा जाता है। और साथ साथ एक और यहाँ पे नृत्य है जो इसके यहाँ पे फेमस है, उसको कहते हैं हम अजी लामू। तो ये जो फैक्ट्स हैं आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद न्यूज़ में रहा है भीमली उत्सव, ये आंध्र प्रदेश का है, अगर और स्पेसिफिक बात करें तो विशाखापट्टनम का है। 2 दिन का होता है ये उत्सव, यहाँ पे बैलगाड़ी की दौड़ होती है जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है, तो ये भी आपको ध्यान करना है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से उत्पादों को GI टैक्स मिले हैं इस बार। तो पलानी मंदिर का एक प्रसाद है जिसको बोला जाता है पंचामित्रम, मेरा तात्पर्य है कि पंचामृतम। तो ये कहाँ का है? पहले तो तमिलनाडु का है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसको कहा जाता है मुरुगन मंदिर, उसमें मिलने वाला प्रसाद है ये। ये पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को भी GI टैग दिया गया हो। जैसे कि इसका नाम है पंचामृत, तो ये 5 यहाँ पे उत्पादों की मदद से ये चीज़ बनाई जाती है, जो कि है केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची। तो इन सबको मिला के आपस में एक ये प्रसाद तैयार करा जाता है जो कि मुरुगन मंदिर में दिया जाता है, और इसी प्रसाद को हम पंचामृत कहते हैं, जो कि अभी फिलहाल GI टैग्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। कभी कभार इसमें स्वाद के लिए खजूर भी मिला लिया जाता है और मिश्री भी मिला ली जाती है। जिन भगवान को ये प्रसाद अर्पण किया जाता है उनका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका प्रोनंसिएशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, धंधायु थापनी। तो इन भगवान को ये प्रसाद अर्पण किया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर प्रसाद की बात करें तो ये हल्के से गाढ़ा होता है और मीठा होता है, और ये जो भगवान है धंधायु थापनी, इनके प्रमुख प्रसादों में से ये एक प्रसाद है। इनका जो मंदिर है वो है अरुलमिगु धंधायु थापनी मंदिर, जो कि पलानी हिल्स पे लोकेटेड है तमिलनाडु में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पंचामृत बनाते समय पानी की एक भी बूंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, यानी कि ये प्रसाद एकदम शुद्ध होता है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमने प्रसाद का चित्र आपके लिए यहाँ पे लगा दिया है, और ये प्रिपेयर किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में है, और ये भारत सरकार की एक शाखा है या फिर एक अंडरटेकिंग है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग थालोपुआन फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, इसको भी अभी GI टैग मिला है। सबसे पहले कहाँ का है? तो मिजोरम का है। गुड क्वालिटी फैब्रिक होता है ये, पूरी तरीके से बुना जाता है इसको। ये जो ताहलो है ये मिजो भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तो इसका तात्पर्य आप पाएंगे कि इसका मतलब होता है टू स्टैंड फर्म, यानी कि अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांगली खड़े रहना। तो इसी वजह से ये दिखाता है कि ये जो क्वालिटी होती है इसकी वो बहुत ही शानदार होती है, और ये जो फैब्रिक है ये मिजो कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और कहाँ बनाई जाती है? तो ऐज़वाल में बनाई जाती है और थेन्ज़वाल में बनाई जाती है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं, इनके नाम आप ध्यान करें। फिर यहाँ पे एक शॉल को GI टैग दिया गया है जिसका नाम है मिजो पुआनछेई शॉल। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मिजो यानी कि मिजोराम के साथ ये एसोसिएटेड है। ये यहाँ पे आप शॉल की चित्र भी देख पा रहे हैं, रंगीन शॉल होती है ये, शादी के समय इसको धारण किया जाता है नॉर्मली। बहुत सारे कलर्स इसमें मौजूद होते हैं, और उसके अलावा कोई भी सेलिब्रेशन होता है जैसे कि कोई मिजो उत्सव है या फिर कहीं पर नृत्य है तो उस दौरान भी इसको धारण किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक पान के पत्ते के बारे में बात करेंगे जो कि तिरूर का है, इसको भी अभी GI टैग दिया गया है। तिरूर का जो पान का पत्ता है ये कहाँ से बिलोंग करता है? केरल से। ये बेसिकली मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में कल्टिवेट किया जाता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग औषधि के भी गुण हैं, इसी वजह से इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ये समाप्त कर सकता है, उसके अलावा बैड ब्रेथ को ये समाप्त कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इतना हरा हरा ये दिखता है, और अगर फ्रेश लीव्स को उठा के देखें तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। साथ साथ पान मसाला बनाने के लिए भी इस पर्टिकुलर पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ऑयल होता है जिसको यहाँ पे यूगनॉल कहा गया है। ये जो ऑयल है ये बहुत एसेंशियल ऑयल है, और ये तो जो इस पान के पत्ते में जो स्वाद होता है उसमें ये मेनली कंट्रीब्यूट करता है, यूगनॉल, जो कि एक एसेंशियल ऑयल है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग सतनामी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, यानी सतनामी रेबेलियन।
बेसिकली हुआ क्या था, 1672 एडी में एक युद्ध लड़ा गया था। युद्ध किसानों के और मुगलों के बीच में लड़ा गया था मथुरा के निकट नारनौल नामक एक स्थान पर। इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो किया गया था एक धार्मिक संप्रदाय द्वारा जिनको सतनामी कहा गया है। अब ये सतनामी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना वीरभान नामक एक संत ने की थी। कहाँ पे? नारनौल में ही की थी। और कब की है? 1657 में इसकी स्थापना हुई है। ज़्यादातर सतनामी इसमें कौन थे? या तो किसान थे, या आर्टिसंस थे, या फिर नीची जाति के लोग थे। ये लोग एक तो सत्य में भरोसा रखते थे कि वो ये समझते थे कि सत्य की राह पे ही चलना चाहिए, और दूसरी बात ईश्वर में बहुत भरोसा विश्वास रखते थे, और इसी वजह से वो अपने आप को सतनामी भी पुकारते थे। सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय कहा गया है, यानी कि वो सिर्फ एक ही भगवान में भरोसा करते थे, यानी कि सबका मालिक एक वाला कॉन्सेप्ट ये लोग अपनाते थे। इनकी जो रिलीजियस बुक है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसको यहाँ पे पोथी कहा जाता है। ये अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मूंड कर रखते थे, इस वजह से उनको मुंडिया भी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा कि ये विद्रोह हुआ है मुगल्स और सतनामी के बीच में। देखते हैं इस विद्रोह के कारण क्या रहे हैं। बेसिकली शुरुआत में एक सतनामी और एक मुगल सैनिक अधिकारी के बीच में एक झगड़ा हो गया था, जिसके तहत मुगल सैनिक ने सतनामी की मृत्यु कर डाली। सतनामियों को गुस्सा आया, उन्होंने अपना पूरा समुदाय एकत्रित करके इस सैनिक को मार डाला। मुगल्स को लगा अगर इस तरीके से चलता रहा तो लोगों में हमारा डर खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुगल्स ने अपनी ओर से अपने सैनिकों को भेजा, और इसी तरीके से ये रिबेलियन या फिर ये युद्ध शुरू हुआ। ये विद्रोह तब खत्म हुआ जब औरंगजेब ने ऐसी कमांड दी और अपने 10,000 सैनिकों को भेजा हथियारों के साथ, जिससे कि वो सतनामी इसको क्रश कर पाएं। और फाइनली इन सब 10,000 सोल्जर्स ने मिलकर सतनामियों को क्रश किया और इस मूवमेंट को ख़त्म किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन हम समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर सीरीज से आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे और न्यूज़ को पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।